Κάπερα. लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। तो फाइनली दोस्तों इंडियन ऑडियंस ने ये साबित कर दिया है कि उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों को देखना बंद नहीं किया और इस हफ्ते रिलीज होने वाली बॉलीवुड की बिग बजट फिल्म गंगूबाई काठियावाली ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन तो शानदार कमाई की ही है, साथ ही साथ दोस्तों अपने दूसरे दिन भी ये फिल्म धमाकेदार कमाई करती हुई नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट और अजय देवगन की फिल्म गंगूबाई काठियावाली के शुरुआती दो दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों की इस फिल्म को हिट होने के लिए कितने करोड़ की कमाई करनी होगी और इस फिल्म को पब्लिक की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिव्यूज मिले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार अजय देवगन सर के डाहट फैन से और आलिया भट्ट की इस फिल्म को देख चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनने वाली एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसके लीड में आपको आलिया भट्ट और विजय राज नजर आए हैं। अजय देवगन सर का दोस्तों इस फिल्म में आपको कैमियो नजर आया है, जिन्होंने अपने 8 मिनट के रोल में ही इस फिल्म में दिखा दिया कि उनसे बेस्ट एक्टर बॉलीवुड में कोई भी नहीं। बताते चले दोस्तों आपको कि लगभग 2 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस की तरफ से तो काफी अच्छे रिव्यूज मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं। आलिया भट्ट ने दोस्तों इस फिल्म में अपने करियर की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है। और अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3,500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म को मॉर्निंग से ही 20% की ऑक्यूपेंसी हासिल हुई, जो कि दोस्तों रणवीर सिंह की लास्ट फिल्म 83 से भी कहीं ज्यादा अच्छी ऑक्यूपेंसी है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन एडवांस में ही लगभग 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी, जो कि एक तरह से दोस्तों कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से और लाइफ टाइम से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। हालांकि दोस्तों थलाइवी को कोविड सिचुएशन में रिलीज किया गया था। दोस्तों बताते चले आपको कि गंगूबाई काठियावाड़ी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने में कामयाब हो चुकी है और इसी के साथ दोस्तों ये फीमेल सेंट्रिक फिल्मों में वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग लेने वाली फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि दोस्तों आप इस ओपनिंग का क्रेडिट सिर्फ आलिया भट्ट को नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको सुपरस्टार अजय देवगन सर का भी मास और क्लासिक रोल देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों संजय लीला भंसाली, जो कि इससे पहले कई सारी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं, उनकी ऑडियंस ने भी इस फिल्म को काफी सपोर्ट किया है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 10 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 15 करोड़ रुपए की कमाई करने में कामयाब रही। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफी अच्छे रिव्यूज की वजह से इस फिल्म को दोस्तों अपने दूसरे दिन में ही एडवांस में लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए देखा जा चुका है और मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म के जो शो है वो लगभग 30% की ऑक्यूपेंसी के साथ आज ओपन हुए हैं। आफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो 40-45 की है, वहीं दोस्तों इवनिंग में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 60% से ज्यादा की है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10-15% की ग्रोथ के साथ 11-11.5 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 21.50 करोड़ रुपए, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती दो दिनों का कलेक्शन लगभग 32 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। बजट दोस्तों इस फिल्म का लगभग 150 करोड़ रुपए भी बताया जा रहा है, जिसमें दोस्तों इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की तो रिकवरी कर ली है। यानी कि दोस्तों अगर ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए की भी कमाई कर लेती है और 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाती है तो बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म मानी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी और क्या दोस्तों लगता है आपको कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 83 के 100 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।